हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ पास्ता की रेसिपी फॉर बेबीज़। सो यहाँ पे मैंने कुछ वेजेस बारीक चॉप्ड कर लिए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। और पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये वाला पास्ता लिया हुआ है। आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। सो ये 500 ग्राम का पैकेट आता है कुछ इस तरीके का, आप देख सकते हैं। एंड पास्ता वैसे भी बेबीज़ को काफ़ी अच्छे लगते हैं, बच्चों को। एंड आप लोग अपने लिए भी बना सकते हैं, बस इसमें थोड़े से चिलीज़ वगैरह ऐड करेंगे अगर। यहाँ पे मैं पास्ता निकाल ले रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बाबू के लिए बना रही हूँ, तो बस थोड़ा सा बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपना पास्ता निकाल लिया। सो कुछ इस तरीके का है ये, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पानी बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है। सो यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ और रिफाइंड ऑयल एंड सॉल्ट, ताकि अच्छे से हमारा पास्ता बॉयल्ड हो जाए, पक जाए अच्छे से। सो इसे अच्छे से बॉयल होने देना है, और जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा तब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। सो यहाँ पे ये बॉयल हो रहा है, सो पास्ता को अब हम ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा सा पका लेंगे अच्छे से। एक्चुअली थोड़ा सा टाइट ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है, बट ये काफ़ी टेस्टी बनता है अगर आप ट्राई करें तो। एंड कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं ये पकना स्टार्ट हो गया है। सो चेक कर लेते हैं। सो अभी थोड़ा सा टाइट है, सो इसलिए थोड़ा सा अभी इसे पकने देना है। सो इसे मैं आप और छोड़ दूँगी, और यहाँ पे आप सब देख सकते हैं अच्छे से पक चुका है। मैंने इसे पानी से निकाल दिया है और इसे फैला दिया है। सो देख सकते हैं आप ये कितने अच्छे तरीके से पक चुका है। सो चलिए बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का अनियन, 1 मीडियम साइज़ के टमाटो एंड कुछ कैरेट, बीन्स, शिमला मिर्च, सो यही सब वेजेस मैंने यहाँ पे बारीक चॉप्ड कर लिया हुआ है। एंड अगर आप अपने लिए बना रहे हैं सो आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा वो। सो इस कुछ तरीके सारे वेजेस को हमने बारीक चॉप्ड कर लिए हुए हैं। अब हमने यहाँ पर चढ़ा देनी है कढ़ाई। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, इसमें डाल दिया 2 टेबल स्पून ऑफ रिफाइंड ऑयल। ऑयल हीट होता है, जैसे इसमें हमने डाल दिया है अनियन। अनियन को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। देन इसके बाद सारे वेजेस को इसमें हमने ऐड कर दिया है और इसे पका लेंगे। थोड़ा सा वेजेस को पका लेना है अच्छे से, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सब्जियाँ थोड़ा सा पका हुआ ही उनको अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे, एंड पास्ते में ऑलरेडी हमने सॉल्ट डाला हुआ है, सो उसके अकॉर्डिंग ही डालेंगे, ज़्यादा ना। सारे वेजेस अच्छे से पक चुके हैं, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पास्ता जो कि हमने बॉयल करके रखा हुआ था। और ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से। एंड देन इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी वाइट पेपर। वाइट पेपर या ब्लैक पेपर जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसे ऐड कर सकते हैं, अगर आपका बेबीज़ खाता है तो। अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ऑरेगानो। ऑरेगानो जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड करिए, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बट क्या है ना, इसमें थोड़ा सा ऑरेगानो का जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा सा आता है। सो यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म पास्ता बन के रेडी है। अगर आपके पास चीज़ है तो उसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ग्रेट करके या स्लाइस चीज़ का, वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। सो वीडियो आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।